नारायण पंचारिया जो स्टेट कन्वेनर हैं बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के, वो भरतपुर आए हुए हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। पंचारिया जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा पहला ये है, पहली लिस्ट आपने फाइनल कर दी, दूसरी तीसरी कब उम्मीद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जब चुनावी समीकरण की बात करें तो कई तरह के कार्य एक साथ पार्टी कर रही है। जैसे अभी संगठनात्मक बैठकें चल रही है जिला स्तर की, पूरे राजस्थान में हो रही है। एक टीम हमारी ऐसी है जो चुनाव संकल्प पत्र तैयार करने के लिए और सुझाव लेने का, अपना राजस्थान सुझाव आपके संकल्प हमारे, ऐसे भी कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में चल रहा है। एक हमारे वरिष्ठ नेताओं की टीम, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। निश्चित मान के चलिए कि बहुत ही शीघ्र भारतीय जनता पार्टी अपनी चयन की प्रक्रिया को पूर्ण करके पूरी पारदर्शिता के साथ और सबको बातचीत होने के पश्चात और शीघ्र ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। पचर जी, हंगामा क्यों बरपा है राजस्थान में पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी की, क्यों बरपा है ये हंगामा, वजह क्या रही कि आपको उम्मीद थी ऐसा हो जाएगा, बगावत के स्वर सामने आ जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं इन शब्दों को खारिज, सिरे से खारिज करता हूँ, बगावत शब्द। भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत नाम की कोई चीज़ नहीं है। रही बात कार्यकर्ताओं के उत्साह की, तो स्वाभाविक है प्रक्रिया की कुछ लोगों में, क्योंकि आकांक्षाएँ ज़्यादा है, सबको पता है, तो भारतीय जनता पार्टी के चयन के बाद में जो जहाँ जहाँ एकाध स्थान पर कार्यकर्ताओं का जो कुछ था मन में भाव, उसको दुरुस्त करने का काम हमने पूरा किया है। आए, उनसे बात की, वो संतुष्ट होके गए। आपने देखा होगा, जैसे अभी आप कह रहे थे ना, वहाँ लोग आते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा के जाते हैं, यानी पूरी तरह से कन्वेंस होकर के वहाँ से जाते हैं, इस संकल्प के साथ निकलते हैं कि राजस्थान में और मैं मेरी विधानसभा से जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ कमल खिलाएंगे। बिल्कुल, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के आप कन्वेनर हैं। सवाल ये कि 41 सीट पे लिस्ट जारी करने के बाद, जैसा मैंने कहा कि विद्रोह है, बगावत है, आपका कहना ऐसा नहीं है? मेरा कहना इसलिए भी है क्योंकि दो बार से भाजपा की विधायक रह चुकी अनीता सिंह निर्दल लड़ने का ऐलान कर देती हैं, पार्टी ने धोखा दिया ये ऐलान कर देती हैं। नरपत सिंह राजवीर का वीडियो वायरल सामने आता है, वो कहते हैं मुगलों का साथ देने वाले को टिकट दिया जाता है दिया के ऊपर, और फिर वो कमेंट फिर बाद में सफाई दे देते हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आखिर हंगामा क्यों बरपा? मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मुखी है, एक है, हम सब के दिल की दूरियां नहीं हैं। वैचारिक मतभेद होना, और मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, पार्टी के लिए भी अच्छा है, कोई भी बात है बोल जाए, सामने आ जाए, संतुष्ट हो जाए, उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही परंपरा आज से नहीं, शुरू से रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा में कोई विद्रोह नहीं है। आप खुद ही कह रहे हो, नरपत सिंह जी राज भी तैयार हो गए, उन्होंने अच्छा स्टेटमेंट दे दिया। मैं कहता हूं भाजपा का कार्यकर्ता आया, वो संतुष्ट होकर नारे लगा के गया, भाजपा जिंदाबाद। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई तरह का विद्रोह नहीं है, कोई विग्रह नहीं है, सब भाजपा एक है, एकमुखी होकर चुनाव लड़ेगी, भ्रष्ट कांग्रेस को हटाएगी। अच्छा, ये जो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, इनको आप तो मैनेजमेंट कमेटी के कन्वेनर हैं, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे? अगर ये लड़ते हैं चुनाव, बात नहीं मानते हैं, आप निष्कासित से तो उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी को नुकसान? भाजपा अगर मगर में विश्वास नहीं रखती, भाजपा का रास्ता एकदम क्लियर है। हम सब मिलकर जनता के सहयोग और समर्थन से, जिस प्रकार की जनता कांग्रेस के प्रति आक्रोशित है, उनकी नीतियों के प्रति और उस भ्रष्टाचार के प्रति, और ऐसे ऐसे मुद्दे हैं कि जनता साथ रहेगी भाजपा के कमल के साथ में, और वो कमल खिलेगा ही। ये जो वाक्यांश सामने आया है, तो कार्यकर्ताओं से हमारी काफ़ी बात हुई है, अब आप ये कहेंगे कि उसका सबूत क्या है? वो नहीं है, बातचीत होती है, बातचीत मतलब र्यूमर भी कहा जा सकता है। उन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि साहब, पहले पार्टी का कहना था कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, जो लोकप्रिय होगा, जो सर्वे में आएगा, लेकिन जो टिकट दिए गए हैं, कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां सर्वे के आधार पर नहीं दिया गया, कार्यकर्ताओं की पूछ ही नहीं गई, जनता की सुनवाई नहीं हुई, वो अपनी मर्जी से दे दिए, तो क्या ये ठीक है? देखिए, ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हो ना कैसा सुनने में आया है, मैं आपको जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में टिकट पूरी पारदर्शिता के साथ, जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल और कार्यकर्ताओं से सलाह करके ही दिए जाते। आज मैं आया हूँ ना आपके सामने,
बात करेंगे ना, यही तो उसमें हमारे एजेंडे में है, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। इसके पहले भी हम आए, सबसे बात की। जो पार्टी अपना जो संकल्प पत्र, जिसको पहले घोषणा पत्र कहा करते थे, हम घोषणा नहीं, संकल्प पत्र जनता के साथ में जाकर पूछ कर जनता क्या चाह रही है, वैसी सरकार हम बनाएंगे, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। जो पार्टी इस काम इस स्तर पर जाकर के सरकार आने के बाद हम कैसे सर राज करेंगे, उसके बारे में जनता का सहयोग ले रहे हैं। इसलिए प्रत्याशियों का चयन जन सहयोग से, जनता के चाहने के आधार पर ही हुआ है, जो सही हुआ है। एक पंचायत जी, मेरा सवाल यह है कि बसंत राजे को साइडलाइन कर रखा है, अब आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, पूरा परिवार एक है, लेकिन सवाल मेरा फिर वही है कि बसंत को साइडलाइन कर रखा है, नुकसान हो सकता है, ये बात क्यों सामने आई है बीजेपी के बीच में? ये बात केवल मात्र मीडिया के अंदर सामने आई है, आप क्षमा करना, ये मत सोचना ये कोई मीडिया पर आक्षेप आरोप है। मैं ये सही कह रहा हूँ आपको, वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी और वरिष्ठ नेता है। वसुंधरा राजे जी के साथ बैठ कर के ही और निर्णय होते हैं, और वसुंधरा राजे कहीं दूर नहीं है। वसुंधरा राजे जी जिसने इस पार्टी के को सींचा है, बड़ा किया है, यानी जिनकी वजह से आज हम इतने बड़े हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि वसुंधरा राजे जी को साइड करना या उसका नाराज होना, कोई नाराजगी नहीं है। आपने देखा होगा अभी हमारे जब यात्रा निकली तो सब जगह इतनी व्यस्तता के बावजूद भी, दिल्ली में इतनी व्यस्तता, झारखंड का पूरा चुनाव उनके पास, उनके उसके कंधों पर, उसके बावजूद भी झारखंड की प्रभारी आदरणीय वसुंधरा राजे, उसके बावजूद भी उन्होंने समय निकालकर सब जगह चारों जगह पे और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में। अब आप कल तो ये भी कह दोगे कि साहब जेपी नड्डा जी बार बार क्यों नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री जी एक बार ही क्यों आए, तो वसुंधरा राजे जी को आप कम ना आंकें। वसुंधरा राजे जी हमारी नेता है, हम सब साथ हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी आरोप है कि अब तक बीजेपी वाले आरोप लगाते रहे हैं और हंसी मजाक करते रहे हैं कि कांग्रेस में कलह है, आपस में गुटबाजी है, लड़ते आए हैं, लेकिन एक लिस्ट जारी होने के बाद वो सब कुछ आप पे भी लागू हो गया? ऐसा नहीं है, कांग्रेस का कलह सर्वव्यापी है, सबको पता है। 4.5 साल तक इस जनता की चुनी हुई सरकार ने अपने आप को बलि पे चढ़ा दिया केवल एक कुर्सी के लिए। कांग्रेस की आपसी कलह का इससे ज़्यादा उदाहरण और क्या हो सकता है जी, कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच का झगड़ा और उसकी वजह से कैबिनेट जो है होटलों में होने लग गई, निर्णय कुछ हुए ही नहीं, और ये जितना भ्रष्टाचार दिख रहा है ना, भरतपुर की धरती पर उठा के देख लीजिए, ऐसा कैसा भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान के अंदर हो गया। उसका कारण था कि सारे MLA को छूट थी, सबने सबको कह दिया, और क्या तांडव किया भ्रष्टाचार का, और वहाँ तक ही नहीं, महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय, सब गुंडों को छोड़ दिया कि चाहे जो करो सब छूटे, इतना पाप किया इन्होंने। और यहाँ नहीं रुकी है कांग्रेस, कांग्रेस ने तुष्टिकरण की भी पराकाष्ठा की है, आज हिंदू समाज इंतजार कर रहा है, साधु संतों की हत्याएं हुई है इस राज के अंदर, तो इसलिए कोई बगसने वाला नहीं है। कांग्रेस के खुद के पापों की वजह से कांग्रेस का जाना तय है। कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता या सिटिंग MLA भी ऐसे भी हैं जो आपके संपर्क में हो, बीजेपी माना चाह रहे हो, है क्या? देखिए जी, मैं नेता उसकी नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने अभी भी कहा है प्रेस के अंदर कि कांग्रेस की बहुत बड़ी लाइन जो रोज अप्रोच करती है कि हम आपके साथ, हम आपके साथ, और डूबती हुई नाव के में से कूद कूद के और भाजपा के अंदर शामिल हो रहे हैं, हमें तय करना पड़ेगा किसको लेना किसको नहीं लेना। ये थे पंचारिया जी जो कह रहे हैं कांग्रेस की डूबती नाव में से कूद कूद कर भागने का प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं। साइडलाइन वसुंधरा को करने के सवाल हो, चाहे 41 जो पहली लिस्ट आई प्रत्याशियों की उसको जारी होने के बाद बगावत की बात हो, उनका सीधा सा कहना है कि भाजपा परिवार एक है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से एक लिस्ट जारी होने के बाद बगावत शुरू हुई है बीजेपी में, डैमेज कंट्रोल कैसे हो पाएगा?